और फतेहाबाद के भूना में सीएम फ्लाइंग टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए खाद्य और आपूर्ति विभाग के तीनों गोदामों की जांच की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने फूड सप्लाई के गोदाम में गेहूं के बैग की जांच की तो 11,118 बैग कम पाए गए, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में लाया गया है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशन डिपो पर गंदा गेहूं वितरित करने के साथ साथ गेहूं की कालाबाजारी भी की जा रही है, साथ ही राशन वितरण प्रणाली में भारी अनियमितताएं बरती जा रही। ये हमारे जो बुना है वहाँ पर गोदाम में सीएम फ्लाइंग व फूड सप्लाई की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से उनको चेक किया गया, जो गेहूँ के कट्टों में वो काफ़ी मात्रा में अनियमितता पाई गई है, जिसकी रिपोर्ट उन द्वारा हमारे थाना बुना में दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो राजेंद्र शर्मा नामक जो फूड सप्लाई में इंस्पेक्टर है उसके चार्ज में है, जिस पर उसके खिलाफ धारा 409 IPC का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा।